संजय राणा जिंदाबाद, संजय राणा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद
और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना समय दिया है इस बारिश बरसात के मौसम में। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो ये जिम्मेवारी जसीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रदेश सरकार से, प्रदेश कांग्रेस पार्टी से या हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व केंद्र सरकार में, उन्होंने जो मुझे दी है, इसका जो मान सम्मान जो है वो जसीपुर विधानसभा क्षेत्र के आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोगों की बदौलत, आप लोगों का जो कार्यशैली है, आप लोगों का जो कांग्रेस पार्टी के प्रति जो प्यार है, आप लोग जो कांग्रेस के प्रति जो प्यार दिखाते हैं, जो काम करते हैं, वो सारा उन्होंने फॉलो किया। क्योंकि बहुत सारे सर्वे या बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, वो देखते हैं कि कौन आदमी जो है किस क्षेत्र से जो है वो ये सारे काम कर सकता है। तो आप लोगों का जो प्यार मेरे साथ रहा, पूर्व में भी पहले हमारे नील कांग्रेस की उपाध्यक्षा ने बोला, जो पूर्व में अध्यक्ष थे उन्होंने बोला, या बाकी सारे विचार आप लोगों ने सुने, मैं आपको कांग्रेस पार्टी में हाथ का निशान, जो आप सभी लोग जानते हैं हाथ का निशान, जिसके पास हाथ का निशान होगा वो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा। बहुत सारे लोग आपके पास है, हर रोज नए नए लोग उठ के आ जाएंगे कि मुझे टिकट मिल गया है, मुझे संगठन में जिम्मेवारी मिल गई है, मुझे फलाना जिम्मेवारी दे दी गई है। ये आप लोगों ने ये कुछ नहीं सुनना है, आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी का काम करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का आप लोग काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आगे लेकर जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर, अपने बूथ स्तर पर, अपने घर में, अपने मोहल्ले में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करते हैं, क्योंकि आप लोग जो है कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं। जो आदमी इतनी देर तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़कर लोगों के विचार सुन सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी सारी देर आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये लगता है कि आप लोग ही कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और आप लोग ही कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने वाले हैं। आप लोगों का ये काम बनता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रही हैं, पूर्व में हमारी श्रीमती सोनिया गांधी के समय, हमारे जो प्रधानमंत्री 10 साल रहे आदरणीय मनमोहन सिंह के टाइम पर, जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां थी, उन नीतियों को आप लोगों ने हर जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि आप लोगों को पता है जो भाजपा सरकार है, जो अपने आप को डबल इंजन सरकार कहती है, डबल इंजन मतलब प्रदेश में भी इनकी सरकार है और देश में भी इनकी सरकार चल रही है, इनके झूठ का गड़ा जो है वो भर चुका है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारा झूठ, बहुत सारा फ्रेम इन लोगों ने कर लिया और आगे भी ये झूठ बोलने में बहुत माहिर है। आप लोगों ने इनकी बात को नहीं सुनना है, आप लोगों ने सब जन जन तक अपनी जो हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो काम है, जो पूर्व में हमारे पूर्व विधायक आदरणीय अरविंदर गोमा के द्वारा, हमारे जो पूर्व में स्वर्गीय जो राजा वीरभद्र सिंह जी जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, जो काम जसीपुर विधानसभा क्षेत्र में, उससे पहले थुल विधानसभा क्षेत्र होता था, जो काम राजा वीरभद्र के द्वारा किए गए हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आपके यहाँ पे MLA हैं, जो बहुत बड़े बड़े वादे का दावे करते हैं, ये किसी भी मंच पर मेरे साथ बहस करने के लिए तैयार रहे, या कोई भी इनका शीर्ष नेता तबका कितना भी बड़ा नेता हो, वो बहस करने के लिए, मैं उनके साथ किसी भी मंच पर बहस करने के लिए तैयार हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अगर किसी ने कोई काम करवाया है या विकास हिमाचल प्रदेश में हुआ है या जसीपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, तो वो माननीय राजा वीरभद्र के टाइम पे हुआ है, कांग्रेस पार्टी के टाइम पर हुआ है। एक भी कोई काम, एक भी कोई ईंट बता दें जो कि इन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई हो, या कोई इन्होंने कॉलेज बनाया हो, या कोई इन्होंने स्कूल, जो मनरेगा के द्वारा जो फंड्स होते थे, मनरेगा के द्वारा जो पैसा आता था वो सीधा आपके खाते में जाता था और लोगों के घरों तक पैसा पहुंचता था, और दालें या सब्जियां या कुछ भी, जो भी चावल या आटा आप लोग खरीद सकते थे, ये किसने दिया? ये मनमोहन सिंह की देन है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। RTI के लिए जैसे आप किसी की भी आपने सूचना लेनी है, किसने दिया? ये मनमोहन सिंह ने दिया। अपने लिए तो ये बोलते थे कि ये गलत करती है कांग्रेस पार्टी, और अपनी जो सूचना है, जो इन्होंने इतना ज्यादा धन उस टाइम इकट्ठा किया कोरोना के टाइम में, उसकी सूचना जब कोई मांगता है तो उसके लिए मना करते हैं कि इसकी सूचना जो है वो नहीं दी जा सकती। अरबों खरबों रुपया इकट्ठा हुआ, कितना लोगों ने दान दिया, कोई पैसा आप लोगों तक पहुंचा? कुछ नहीं पहुंचा। ये झूठ की सरकार है। हमारे समय में जब 360 रुपए से सिर्फ 40 रुपए उस टाइम बड़ा था सिलेंडर की कीमत, 400 रुपए हुआ था, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 400 रुपए सिलेंडर छोड़ के गई थी। इनकी जो नेत्रियां थी उस टाइम की, उन्होंने सिलेंडर आगे रखे और आलू प्याज की माला गले में डालकर पूरे की पूरी दिल्ली, पूरी की पूरी संसद जाम कर दी थी। आप लोगों को याद होगा, क्योंकि ये हमारे लोग सभ्य लोग हैं, हम ऐसा नहीं करते भी। लेकिन कब तक महंगाई से त्रस्त रहेंगे आप लोग?
इतनी ज्यादा महंगाई सिलेंडर आप लोगों ने देखा 50 रुपए और बढ़ गए, 1150 रुपए सिलेंडर हो गया। अरे 1150 रुपए इन्होंने एक और योजना चलाई है, एक योजना चलाई इन्होंने कि 3 सिलेंडर फ्री देते हैं ये। अगर 3 सिलेंडर फ्री देते हैं, चलो मान लीजिए 3 सिलेंडर आप लोगों को फ्री मिल गए, तो 3 सिलेंडर के बाद भी आप लोगों ने 9 सिलेंडर और लेने हैं साल के, तो 9 सिलेंडर आपको पड़ेंगे 10,000 रुपए में, ठीक है। और हमारे टाइम में 400 रुपए था तो वो पढ़ने थे आपको 12 के 12 लेते, हम फ्री नहीं देते तो पढ़ते 4800 रुपए में। ये दिमागी गेम है इनकी, ये आप लोगों को सोचना है, तब भी आप लोगों को 6000 रुपए का फायदा होता, 5 का तो होता। दालें कितनी है, 200 रुपए चली गई, हमारे 80 रुपए से ऊपर नहीं थी। पेट्रोल देखें आप 100 रुपए से ऊपर चला गया, डीजल देखें, महंगाई की स्थिति जो है 72 स्थिति में पहुंच गई है। गृहिणियों को चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया, सारी मेरी मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आप लोग तो जानते हैं कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, हमारे लोग नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, कितनी मुश्किल पेश आती है, लेकिन इनके इनका कुछ नहीं जाता। ये ऐसी पार्टी है, ये अभी जब इलेक्शन आएंगे तो ये झूठ बोलना शुरू अभी इन्होंने कर दिया है, ये फिर आपके घरों में तक पहुंच जाते हैं, ये चूल्हे तक बैठ जाते हैं, ये अपने ये ऐसे ऐसे बेशर्म लोग हैं, ये चूल्हे के पास बैठ जाएंगे जाकर, और इतना मोल्ड करते हैं, इतना गुमराह करते हैं, इतना झूठ इतना फ्रेम करेंगे कि आप लोगों को बोलेंगे कि एक बार एक मौका और दे दें और ये कर दें, और आप उनके बेकाबे में आकर फिर कहीं गलत ना कर देना। इसलिए मैं इतना आप लोगों के साथ जो है अपनी जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं इसके लिए बखान कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग सच्चे कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन हमारे जो ये 300-400 या 500 लोग बैठे हैं इनसे हमारा नहीं होना है, हमें बहुत सारे वोट की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को करना है ये, क्योंकि आप लोग खासकर मातृशक्ति जो है, जब बस में जाएंगे आप या कहीं दुकान में जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो वहां पर हमारी नीतियां बतानी है कि अरे भाई ये चीनी का ये दाम हो गया है, या गैस का ये दाम हो गया है, ये भाजपा सरकार इन्होंने ये कहा था, तो आप लोगों को ये करना है। मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का विधायक जीतने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत सोच है कि हमारी जीत तभी हमें ज्यादा मजा आएगा जब 20,000 से ऊपर की होगी, ठीक है। यदविंदर गोमा को आप 20,000 से जिता के भेजेंगे विधानसभा, तो मजा भी आएगा ना, आप लोग कहेंगे भी इन्हें, संजय राणा जी आपको आगे जाके बोलना भी है कि इनको मंत्री बनाना है आपने, हमने बहुत सारे वोट इनको दिए हैं, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी बैठ के, अगर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी के पास अगर मौका मिलेगा बैठने का, तो मैं बोल सकता हूँ वहां पे, या हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है वहां पे बोल, मेरे को बोलने का मौका मिलेगा कि हमारे लोगों ने बहुत सारे वोट दिए हैं और हमें मंत्री चाहिए। तो आप लोगों ने चुप नहीं बैठना है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार अगले 3 महीने में बनने वाली है, ये आप लोगों ने हर घर में हर जनता की ये संदेश पहुंचाना है, और कांग्रेस पार्टी की नीतियों का बखान जरूर करना है, अपने ब्लॉक स्तर पर, अपने बूथ स्तर पर, और अपने मोहल्ले तक, जन जन तक अपनी हमारी जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेके जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस पार्टी।